कटनी से विजय कुमार जी और समस्त परिवार की ओर से महाराज जी को त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, कंपनी से मुझे कुछ शेयर हर क्वार्टर सैलरी के रूप में मिलते हैं, क्या उससे मुझे जुए का दोष लगता है? क्या कंपनी से हर क्वार्टर मुझे कुछ शेयर सैलरी के रूप में मिलते हैं, क्या उससे मुझे शेयर का दोष जुए का दोष लगता है, और क्या मुझे उन्हें तुरंत बेच देना चाहिए? देखिए, अगर शेयर को जुआ मानते हैं तो गलत अवधारणा। शेयर जुआ नहीं है, शेयर एक व्यापार है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदा, यानी उस कंपनी में आपने अपना उतना प्रतिभाग सुनिश्चित किया, ये एक प्रकार का व्यवसाय है, जुआ नहीं है। शेयर जुआ कब है? जब फ्यूचर आप करते हैं, फ्यूचर फाटका आप करते हैं तो जुआ है, डिलीवरी में जुआ नहीं है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि किस कंपनी का शेयर ले रहे हैं, उस कंपनी का उत्पाद क्या है, वो कंपनी करती क्या है, उसका कोई प्रोडक्ट हिंसक तो नहीं है। इन बातों का हमें ध्यान रख करके ही शेयर में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। और शेयर के संदर्भ में कंपनी आपको शेयर देती है, आप लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप उसे बेचें, बशर्ते आप सही कंपनी में काम कर रहे हैं। पर दो तीन सुझाव शेयर के संदर्भ में आप सबसे दूंगा कि बहुत दिन बाद आज शेयर का फिर से सवाल आया। शेयर का व्यापार मत करो, क्योंकि मैं देखता हूं कि शेयर बाज़ार का काम कैसा है। एक पंक्ति में मैं उसकी समीक्षा करता हूं, जिस कारोबार में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़ जाए, उसका नाम शेयर बाज़ार। जो खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए, उसका नाम शेयर बाज़ार है। इसलिए बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। अगर निवेश भी करते हैं तो उन्हें करना चाहिए जिनके पास पैसा सरप्लस है, और अपनी कुछ कुल संचित निधि का एक छोटा सा हिस्सा ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आजकल के समय में शेयर का जो धंधा है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। कुछ लोग समूह बनाकर प्रमोटर बन जाते हैं और लोगों को टोपी पहनाकर अपना उल्लू सीधा कर देते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आज शेयर बाज़ार के संदर्भ में, जो लोगों के लिए आज फिर से संदेश देंगे। मुझे लगता है 2 साल बाद आज शेयर बाज़ार की फिर से चर्चा आ रही है। यद्यपि मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो शेयर बाज़ार का काम करते हैं, सब लोग ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं, एक शेयर बाज़ार से संबद्ध व्यक्ति ने एक किस्सा मुझे सुनाया था, वो मैं आज आप लोग सुना रहा हूँ। एक गाँव में बंदरों का बड़ा आतंक था, लोग बड़े परेशान थे। वहाँ एक सेठ पहुँचा और सेठ ने कहा, हमें बंदर चाहिए और 100-100 रुपये में हम बंदर खरीदेंगे। गांव के लोगों ने सोचा कि चलो बंदरों से मुक्ति और 100 रुपये का फायदा। सारे गांव भर के लोग मिल जुट गए, बंदरों को पकड़ा और जैसे तैसे पकड़ करके 200 बंदर इकट्ठे कर पाए। सेठ ने 200 बंदरों को 100-100 रुपये दे करके पेमेंट दिया, ले लिया, अपना एक आदमी बिठाया, बंदरों को वहीं रखा, वो आदमी वहीं देखभाल कर रहा था। सेठ ने खबर किया, मुझे और बंदर चाहिए, तो बोले अब हम 150 देंगे। 25-30 बंदर और मिल गए, वो ले आए। सेठ ने कहा, मुझे और बंदर चाहिए, अब मैं 200 रुपये में बंदर खरीदूंगा। लोगों ने देखा, इधर उधर खुच के 10-5 बंदर और पकड़ ले आए। फिर बोला, भैया सेठ ने कहा हम 300 में बंदर खरीदेंगे। अब कहीं बंदर ही नहीं। तो उसके मुनीम ने कहा, देख बंदर को कौन पहचानता है, ये हमारे बंदर हैं, 150 में ले लो, 300 में बेच देना। 150 में ले लो, 300 में बेच देना। अब लोगों को प्रस्ताव समझ में आ गया, जितने मंदर थे सबने 150 में खरीद लिए, वो आदमी कहाँ गया, आज तक लौट के नहीं आया। समझ गए, ये शेयर बाजार का धंधा है, आज ये हो रहा है। इसमें लोग बेवकूफ बन रहे हैं, शीर्ष स्तर के लोग कमा रहे हैं, बाकी का बंटाधार है। इसलिए बहुत सोच समझ करके निवेश करना।